अगला सवाल। बिल्कुल, देखिए अगला सवाल भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब हम क्षेत्र वाइज बात कर रहे हैं और अभी हमने बुंदेलखंड को समझा कि आखिर वहां की दशा दिशा क्या बता रही है। अब बात हम अवध की कर लेते हैं क्योंकि अवध का मन जो जीतेगा उसे ही सिंहासन यूपी का मिलेगा, ये जरूर कहा जाता है। सवाल यह है कि अवध में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, यानी किस राजनीतिक दल की जो रणनीति है वो अभी तक सफल नजर आ रही है अगर आज चुनाव होते हैं तो। रोहित जी बिल्कुल, तो अवध की अब बात कर ली जाए, कुल सीटें 118 सीटें अवध की हैं और अवध का जो आंकड़ा है वो क्या है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने देखिए। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो अवध में पिछली बार बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था और इस बार की स्थिति देखिए, इस बार भी सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। 72 से 76 सीटें भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र में जीत सकती है अगर आज चुनाव हो सर्वे के मुताबिक। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 38 से 42 सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है। बसपा की बात करें तो 2 से 6 सीट बसपा जीत सकती है और कांग्रेस की बात करें तो 0 से 2 सीट जीतने का अनुमान कांग्रेस का और अन्य के लिए भी यही अनुमान सर्वे के मुताबिक यह आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है। यानी 72 से 76 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है अगर आज चुनाव हो अवध क्षेत्र में सर्वे के मुताबिक, और समाजवादी पार्टी 38 से 42 सीट। और इसी जो सवाल है, सवाल से जुड़ी जो बड़ी खबर है उसके लिए एक बार फिर से रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का, जहां से गुंजन हमारे साथ मौजूद है। जी गुंजन। बिल्कुल रोहित जी, इस सर्वे की बड़ी खबर जो है वो ये है, अगर अभी चुनाव होते हैं तो अवध के 118 में से किसे कितनी सीटें मिलेंगी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि क्षेत्रवार हर कोई पार्टी अपने आप को मजबूत कर रही है। भाजपा पहले से यहाँ पर मजबूत थी और अभी के सर्वे के मुताबिक भी अवध में 72 से 76 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सपा की बात कर लें तो सपा को अवध क्षेत्र में 38 से 42 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को अवध में 2 से 6 सीटों पर ही सिमटना पड़ सकता है। भाजपा को अवध क्षेत्र में भारी सफलता मिलने का अनुमान जताया जा रहा है क्योंकि पहले से भी भाजपा की पकड़ यहां पर काफी मजबूत है। जी रोहित जी। जी बिल्कुल, तो अवध की तस्वीर भी हमने दिखाई, अवध के 118